हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियदर्शनी टॉक्स। प्रियदर्शनी टॉक्स में मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप यू आर फाइन, फुल ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आज मैं एक बहुत से ब्यूटीफुल प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ और वो प्रोडक्ट है लीनो पेरोस के हैंड बैग कम सैचल बैग का रिव्यू वीडियो अंडर ₹1300। एंड दिस बैग आई हैव बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे साइट्स के जैसे फ्लिपकार्ट पर भी सेल चल रहा है फ्रॉम 3rd October to 10th October। फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा द बिग बिलियन डेज सेल, जहां पर आप अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। तो पैसों को बचाना है तो इन सेल्स के दौरान ही आप अपने चहेते प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ये बैग आपको आया पसंद, तो इस बैग को आप डेफिनेटली खरीद पाएंगे इस सेल के दौरान और बचत कर पाएंगे ढेरों रुपए की। क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे इस बैग के लिंक को और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे फ्लिपकार्ट के इस बैग के पेज पर और वहां से आप इस बैग को खरीद सकते हैं अपने लिए। सो रिव्यू शुरू करने से पहले, फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय क्लिकिंग द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन माई अदर सोशल मीडिया साइट सच एज फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड इवन वर्डप्रेस। सारों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। इस प्रोडक्ट का भी लिंक जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक को क्लिक जरूर करें और बाय जरूर करें इस ब्यूटीफुल से बैग को। तो ये प्रोडक्ट मुझे कुछ ऐसी पैकेजिंग में फ्लिपकार्ट से आया है जो कि आपके लिए भी आएगा। तो चलिए इस बैग को खोलते हैं, पैकेजिंग को खोलते हैं और देखते हैं कि बैग कैसा है। वैसे ये टैन ब्राउन कलर का बैग है, ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए खोलते हैं। सो नाउ आई हैव टेकन दिस बैग आउट फ्रॉम द पैकेजिंग एंड दिस इज रियली अ वाओ बैग। तो बहुत सारे बैग्स का मैंने रिव्यू किया है जिसमें से बहुत सारे बैग्स को मैंने कहा है कि वाओ बैग, तो उन्हीं में से एक ये बैग होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया ये बैग है टैन ब्राउन कलर का एंड दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल बैग। नाउ लेट मी शो यू दिस बैग। सो ये बैग कुछ ऐसा मिल जाएगा फ्रॉम द ब्रांड एज आई टोल्ड यू लीनो पेरोस। सो यहाँ पर ये क्रॉक टेक्सचर्ड या रेप्टिलियन टेक्सचर्ड कुछ भी आप बोल सकते हैं उस पैटर्न का आपको यहाँ बैग मिल जाता है, जिसमें यहाँ लीनो पेरोस की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी इन द कलर गोल्डन, जो कि डीप गोल्डन बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का गोल्डन कलर होता है। टॉकिंग अबाउट द हैंडल्स, दीज आर प्रिटी स्टर्डी हैंडल्स जिसको कि आप अभी अपने सामने देख रहे हैं। रिम यहाँ पर गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया है हैंडल में, फ्रंट के साइड एंड बैक के साइड दोनों। आप इस बैग की स्टिचिंग को पास से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से इनकी फिनिशिंग की हुई है। आप देख रहे हैं वेरी नाइस फिनिशिंग दिस बैग हैज गॉट। नाउ बैक साइड ऑफ द बैग यहाँ पर आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जो कि अगेन मल्टी फंक्शनल होता है। जैसा कि मैंने कहा बैग के जिप में भी आपको इसकी ब्रांडिंग मिल रही है एलपी की। अगेन इसमें आपको स्ट्रिंग भी मिल रही है या स्लिंग भी मिल रही है या स्ट्रैप्स भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसको एज अ शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिटैचेबल स्लिंग्स मिल रहे हैं जिसको कि अगर आप चाहे तो यूज़ करें, अगर आप चाहे तो इनको निकाल कर बैग के अंदर रखें या बाहर रख दें और आप एज अ सिंपल हैंड बैग, नाइस हैंड बैग आप इसको यूँ भी कैरी कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपार्टमेंट, वन मेन जिपर्ड कंपार्टमेंट इज गिवन हियर। तो खोलते हैं इसको, इसके स्लिंग को यहाँ से बाहर निकालते हैं एंड इसके अंदर भी फिलिंग जो है उनको बाहर निकालते हैं। जहाँ तक रही फिलिंग की बात, तो मैं अपने हर एक लगभग बैग के वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि बैग्स में फिलिंग करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ बैग के अंदर आपको जो भी फिलिंग मिले उनको फेंके ना, बैग को फिल करके ही रखें, तभी बैग आपके प्रॉपर शेप में रहेंगे। नाउ लेट्स सी द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द बैग। वाओ, इट हैज़ गॉट अ ह्यूज इनर कंपार्टमेंट। जो आप देख रहे हैं वो बैग का फर्स्ट कंपार्टमेंट है यहाँ पर, जिसके अंदर बहुत ही स्टर्डी सा यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाती है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और पूरे फैब्रिक में आपको यहाँ लीनो पेरोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बैग में दो पॉकेट्स मिल जाएंगे, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में दो पॉकेट्स मिल जाएंगे ना। वेन वी चेक आउट द अदर कंपार्टमेंट, ओके यहाँ पर कोई भी मिड कंपार्टमेंट नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर जो सेकेंड कंपार्टमेंट है उसमें बहुत अच्छी सी एक बात है कि इसमें आपको ऐसा यू नो बटन होल्डर मिल रहा है, जिससे कि आपको सेकेंड कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होगा, यानी कि इधर उधर नहीं जाएगा, वो एक जगह पर होल्ड किए हुआ रहेगा इसके द्वारा। सो इसको जब हम खोलते हैं, ये एक बटन है जैसा कि मैंने कहा। वेट, लेट मी ओपन दिस। एंड दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लेदर मटीरियल, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी होल्डिंग है इस बैग में दिया हुआ। नाउ लेट मी ओपन दिस वन।
नाउ फाइनली मैंने इसके बटन को खोल लिया है एंड बिलीव यू मी दिस इज अ वेरी यू नो बहुत ज्यादा इसकी टाइट बटन है जिसकी वजह से ये कभी खुलने नहीं वाला और बैग को मैसी नहीं बनाने वाला। नाउ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो सेकेंड कंपार्टमेंट है बैग का जो कि उतना ही बड़ा है एंड एज आई टोल्ड यू कि इसमें आपको होल्डर के कारण ये कहीं भी हिलने नहीं वाला। ये जिप यहाँ पर सेकेंड कंपार्टमेंट पे अलग से आपको प्रोवाइड नहीं किया गया बट इस बटन क्लोजर के कारण ये बहुत अच्छे से आपके सामान को होल्ड किए रहेगा। ओके नाउ आई हैव गॉट अ आइडिया, मुझे बात करते करते आइडिया आ गया। ये बटन बेसिकली आपके बैग में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप बता सकते हैं yes, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होंगे मेरी तरह सॉरी बहुत सारे लोग ये जान पाए होंगे कि ये बटन इस बैग में इसलिए दिया हुआ है ताकि आप अपने लैपटॉप भी इसके अंदर रखें और वो लैपटॉप कहीं भी खिसके नहीं, उसको किसी भी प्रकार का डैमेज ना पहुंच पाए। ये बटन इसलिए बेसिकली इसमें दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली अ हैंड बैग कम लैपटॉप बैग फॉर यू इन विच यू कैन कैरी योर लैपटॉप वेरी सेफली, क्योंकि इसका जो ये मिड पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा कुशनी है, बहुत ज़्यादा कुशन्ड ये मिड पोर्शन दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस कंपार्टमेंट में आप अपने लैपटॉप को कैरी करके अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पर या अपने कहीं भी ट्रैवल एरिया में जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर बैग। बहुत ज़्यादा स्पेशियस ये बैग है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर बैग। बहुत ज़्यादा स्पेशियस ये बैग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शनल ये बैग है। इसके स्लिंग के बारे में मैं एक और बात आपको बता दूं कि दिस इज बेसिकली एडजस्टेबल स्लिंग। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, डिटैच भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं। नाउ बेस ऑफ द बैग इज कैप प्लेन। यहाँ पर आपको कोई भी लेग्स नहीं मिल रहे हैं बट इसका ये मतलब नहीं कि ये अपना शेप खो देने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड बैग। बहुत ज़्यादा स्टर्डी इसकी मटीरियल है। जब मटीरियल की बात करूँ, फील की बात करूँ, इट हैज़ गॉट अ सॉफ्ट फील, सॉफ्ट स्ट्रक्चर टू इट। इट इज़ अ प्यू मटीरियल बैग, आर्टिफिशियल लेदर का ये मटीरियल है बट इसकी जो आर्टिफिशियल लेदर की क्वालिटी है दैट इज़ वेल एंड गुड, वेरी गुड। आई मीन मटीरियल इसमें यूज़ की हुई है जिसकी वजह से आपको ये बैग बहुत प्रिटी दिखने में ही नहीं बल्कि होल्ड करने में भी रहेगी। एंड जब बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की तो कहने ही क्या, बहुत ज़्यादा आप इसमें अपना सामान ले जा सकते हैं। ऑफिस गोअर अगर आप हैं तो जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल आप अपने लैपटॉप इसमें कैरी कर सकते हैं, कोई भी डैमेज आपके लैपटॉप को नहीं इसके कारण प्रदान होगा। भी जा रहे हैं डेफिनेटली आप इस बैग को अपने लिए कैरी कर सकते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द रिव्यू वीडियो ऑफ दिस ब्यूटिफुल बैग फ्रॉम द ब्रांड लीनो पेरोस। रुद्रवीर जी अभी बाहर से आ गए हैं एंड I have to see him now. See you all in next video. Till then, take care. Bye-bye. Love you all. Keep smiling. Keep shining. God bless.